उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभा में लगे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभा होनी है, कटहरी, मिर्जापुर और साथ ही फूलपुर में विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और जनता से पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी में भी बाय इलेक्शन होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और यूपी में बाय इलेक्शन हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल भी 3 जगह पर जनसभा होगी और बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील मुख्यमंत्री करेंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे सरकार को अपना समर्थन दिया और महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया था, जिसको लेकर शंकराचार्य ने शिंदे सरकार का समर्थन किया। जो हमारे हृदय के मुद्दे को स्वर देगा उसी को हम अपना समर्थन देंगे। शिंदे एकनाथ जो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कार्य किया और जो 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 हमारा कार्य करेगा उसी को तो हम वोट देंगे। तो इसलिए बिल्कुल हमको तो थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि हम महाराष्ट्र के मतदाता क्यों नहीं हुए, नहीं तो हम भी खुशी से उन्हीं को मत दे देते। वहीं शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री बैन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जब मक्का में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन है तो महाकुंभ में फिर मुसलमानों की एंट्री क्यों है। और जहां तक धार्मिक मामले का प्रश्न है तो हमारा ये कहना है कि ये जो कुंभ पर्व है ये पूर्णतया धार्मिक पर्व है, तो इसमें धार्मिक लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि गंगा स्नान से पुण्य होगा, पाप नष्ट होंगे, उनको वहाँ पर होना चाहिए। जो लोग ये नहीं मानते उनको क्यों वहाँ होना चाहिए। जो हमारे मुसलमान हैं, मुस्लिम बंधु, उनका एक सबसे बड़ा तीर्थ है मक्का। 40 किलोमीटर पहले गैर मुस्लिम को वो लोग रोक देते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं क्यों रोक रहे हो, हम जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा वहाँ क्यों जाना है, उनका अपना स्थान है। और हम ये भी नहीं मानते कि वो रोकते हैं तो हमको तिरस्कार करते हैं, हम ये समझते हैं कि अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए रोकते हैं। तो जब उनके तीर्थ में गैर मुस्लिम को 40 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है तो हम अपने कुंभ में रोक रहे हैं तो बेजा क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। भारत के पुशअप मैन रोहतास चौधरी ने 27.875 किलोग्राम वजन के साथ में एक पैर पर एक घंटे में 704 पुशअप करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। पुशअप मैन ऑफ इंडिया रोहतास चौधरी ने पाकिस्तान के पुशअप रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और भारत के पुशअप मैन रोहतास चौधरी ने 27.875 किलोग्राम वजन के साथ एक पैर पर एक घंटे में 704 पुशअप करके पाकिस्तान के नाम जो रिकॉर्ड दर्ज था उसको तोड़कर अपना नाम दर्ज करवाया। रोहतास चौधरी ने बताया कि कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई और कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में 4 लोग सवार थे और लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से सभी की जान बच गई। ड्राइवर ने समय रहते कार को किनारे लगा लिया। सूचना पर टोल कर्मी पहुंच गए और फिर आग पर कंट्रोल किया गया। प्रतापगढ़ में लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल अब्दुल अहमद मोहल्ले की किसी युवती को बाइक से बैठाकर कहीं ले जा रहा था और गांव के इरशाद ने यह देख लिया तो आरोपी युवक की पत्नी से जाकर बता दिया। ये सुनकर महिला ने आपा खो दिया और पति के घर पहुंचने पर जमकर विवाद किया और विवाद यहां तक बढ़ गया और नौबत तलाक तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इससे नाराज आरोपी ने अगले दिन 2 नवंबर को इरशाद अहमद को किसी बहाने से सलोन ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया और रास्ते में किसी जंगल में ले जाकर अपने साथी की मदद से इरशाद को पेड़ से बांध दिया और जमकर मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, इस संबंध में तस्दीक की गई, यह जानकारी हुई कि यह पीएस उदयपुर का है और उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर पीएसडी रायबरेली तक ले गया
जहां पर उसका एक मित्र कासिम अली मिला और इन दोनों ने उसको उनको एक पेड़ में बांध कर काफी मारपीट की। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं अभियुक्त अब्दुल अहमद को हिरासत में ले लिया गया है। और आगे की खबरें आप देखिए भोजपुरी भाषा में नलिनी पांडे के साथ। नमस्कार रउआ सबके हमार प्रणाम, हम है नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरी दर्शक के बहुत बहुत स्वागत हुआ। हम बताए देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में। तो चलिए शुरुआत कर जाए बुलेटिन ये खबर बासे। अब बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत हीरोइन आ हीरो के करब। हम बताए ई हफ्ता भोजपुरी के टॉप हीरो हीरोइन के है। कौन हीरो हीरोइन के फिल्म आ एल्बम लोगन के दिलन दिमाग पर छा रहल बा। कवन स्टार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बा। अब कवन नयका भोजपुरी फिल्म जल्दी आवे वाला बा देखी। का रहुआ जानत बानी कि ये हफ्ता के भोजपुरी के नंबर वन स्टार के है। आई बता बतानी सबसे पहले टॉप हीरोइन के बात हुई। नंबर 5 तेलुगु आ कन्नड़ सिनेमा में नाम कमावे के बाद मेगा श्री के भोजपुरी जगत में डंका बाजला। खेसारी लाल साथे फरिश्ता अपराधी संघर्ष 2 जैसन हिट फिल्म के बाद अब अरविंद अकेला के साथ मेगा श्री के केमिस्ट्री के चर्चा खूब बा। जल्द दोनों के फिल्म आवे वाला बा। ये हफ्ता मेगा श्री टॉप हीरोइन की लिस्ट में नंबर 5 पर बाड़े। नंबर 4 भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल राघवानी आ खेसारी लाल की जोड़ी दर्शकन के खूब पसंद आविला। हालांकि ये वक्त काजल आ खेसारी के बीच खटास बा, लेकिन हाल में आयल काजल के फिल्म अमानत के लोग काफी पसंद करल बाड़े। यूट्यूब पर ये फिल्म 35 लाख से ज्यादा बेर देखल गयी बा। ये हफ्ता काजल राघवानी ट्रेंडिंग हीरोइन में नंबर 4 पर बाड़े। नंबर 3 खेसारी लाल यादव के साथ ही आकांक्षा पुरी की केमिस्ट्री लोगन के काफी पसंद आई। आपन हॉट लुक और सेक्सी अंदाज से आकांक्षा लोगन के दिल में राज करेले। राजाराम फिल्म में चुम्मा गाना के बाद अब आकांक्षा के खेसारी के साथ नया सिनेमा आवे वाला बा, जेकर नाम बा अग्नि परीक्षा। सोशल मीडिया पर आकांक्षा पुरी ई वक्त काफी ट्रेंडिंग बाड़े। ये हफ्ता आकांक्षा टॉप 3 पर बाड़े। नंबर 2 आम्रपाली दुबे के फिल्म मातृदेव भव की शूटिंग खत्म हो गई बा, जो हाल में सिनेमा हॉल में देखल गई है। मातृदेव भव की शूटिंग खत्म होते ही एको नया फिल्म के आम्रपाली ऐलान कैले। फिल्म के नाम बा लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी। ये हफ्ता आम्रपाली दुबे टॉप हीरोइन के लिस्ट में नंबर 2 पर बाड़े। नंबर 1 अक्षरा सिंह के फिल्म जानू आई लव यू के ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा देलस। एक दिन में लाखों व्यूज मिलल। नारी सशक्तिकरण पर बनल ई फिल्म के ट्रेलर में अक्षरा की डायलॉग हम आज के युग के नारी है, सीता भी हमरा अंदर बाड़ीन और दुर्गा भी खूब पसंद कैल झला। ई हफ्ता भी अक्षरा टॉप हीरोइन के लिस्ट में नंबर 1 पर बाड़े। अब बात हुई टॉप ट्रेंडिंग हीरो के, तो नंबर 5 पर बाड़न प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू, जेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में धाक बा। बॉलीवुड फिल्म 3-2 के तर्ज पर चिंटू के दुल्हनिया सिनेमा के ट्रेलर सोशल मीडिया पर धमाल मचौले बा। ए फिल्म के हाल में रिलीज भइल गाना लोगन के काफी पसंद आवेला। चिंटू पांडे भोजपुरी सुपरस्टार के लिस्ट में नंबर 5 पर बाड़न। नंबर 4 आम्रपाली दुबे अमेघा श्री संगे अरविंद अकेला के रोमांस दर्शकन के जल्द देखे के मिली। अरविंद अकेला के नया फिल्म मेरे जीवन साथी जल्द आवे वाला बा। एकरा अलावे कलुआ के हाले में गावल ओ साथी रे गाना भी लोगन के खूब पसंद आयल रहल। ई हफ्ता अरविंद अकेला कल्लू नंबर 4 पर बाड़े। नंबर 3 दिनेश लाल यादव निरहुआ आ आम्रपाली दुबे की जोड़ी एक बेर फिर धमाल मचाव देवे खातिर पर्दा पर आ रहल बा। फिल्म के नाम बा पटना से पाकिस्तान 2। फिल्म ता होली में आई लेकिन एक टीजर जारी हो गई बा। नरवा टॉप हीरो के लिस्ट में ई हफ्ता नंबर 3 पर बाड़न। नंबर 2 पावर स्टार के आयल फिल्म सूर्यवंशम के 2 महीना बाद भी जलवा बरकरार बा।
एकरा साथ ही बॉलीवुड में गाना से धमाल मचावे खातिर पवन सिंह ई वक्त छा रहल बाड़न। एकरे अलावा पवन सिंह के एगो धमाकेदार फिल्म जल्दी ही आवे वाला बा, जेकर नाम बा आज हमार प्यार की शादी बा। मानल जाला कि फिल्म रिलीज होते ही धूम मचा दी, फैंस फिल्म की बेसब्री से इंतजार करत बाड़े। ई हफ्ता भी पवन सिंह टॉप हीरो के लिस्ट में नंबर 2 पर बाड़े। नंबर 1 ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के आयल फिल्म राजा राम की ई वक्त धूम बा। लोग ई फिल्म के काफी पसंद कर रहल बाड़न। यह फिल्म में खेसारी लाल भगवान राम के भूमिका में नजर आवे वाला बाड़े। रिलीज के साथ ही ई फिल्म के धमाकेदार कमाई की उम्मीद बा। लगातार तीसरा हफ्ता भी टॉप हीरो के लिस्ट में खेसारी लाल नंबर 1 पर बाड़न। मेडिकल साइंस दिनों दिन तरक्की करत बा, लेकिन अक्सर कई गो ऐसा केस सामने आ जावेला जेकर समाधान निकारर मेडिकल साइंस खातिर जटिल हो जाला। हाथरस से एगो ऐसा मामला सामने आयल बा जेकरे से डॉक्टर लोग भी चकित हो गए बाड़न। एगो लड़का के पेट से ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर 56 आइटम निकलले। ओकरा पेटे से घड़ी में लगे वाला सेल, चेन, ब्लेड के टुकड़ा आ पेज मिलल। ओकरे बाद का भइल ई रिपोर्ट में देखी। हो सकेला कि रउआ ना ई कबो सुनले होखे ना देखले होखे। हाथरस के रत्न गर्भ कॉलोनी में कुछ ऐसन भइल जवना से शर्मा परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। घर में ऐसन अप्रिय घटना घटल जवना के चलते पूरा परिवार बिखर गई। 9वीं क्लास में पढ़ल बेटा आदित्य के निधन हो गई। असल में आदित्य के साथ ही कुछ ऐसन भइल कि पूरा परिवार के भी विश्वास ना हो पाइल। वो लोग आदित्य के इलाज में जमीन आसमान एक कई दिले, लेकिन उनकरा के अफसोस बा कि लाख कोशिशन के बावजूद भी उनकरे लड़का के जिंदगी ना बच पाई। आदित्य के पेटे से ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर 56 को सामान निकले। लड़का के पेटे से घड़ी में लगे वाला सेल, चेन, ब्लेड के टुकड़ा और पेच मिलल। लेकिन डॉक्टर लोग तब हैरान रह गए ले जब ऑपरेशन के बाद फिर उसे ओकरा पेट में दर्द भइल। आदित्य के पिता के मुताबिक 13 अक्टूबर के उनका पेट में दर्द औरी सांस लेने में परेशानी की शिकायत रहे। जवना के बाद वो अपन लड़का के निजी अस्पताल ले गए ले। जवना के बाद यहाँ के डॉक्टर आदित्य के रेफर कर दिले। परिवार उनका के जयपुर के एक अस्पताल ले गई। 4 से 5 दिन के इलाज के बाद डॉक्टर लोग उनका के घरे भेज देलस। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद फिर उसे आदित्य के सांस लेवे में दिक्कत की शिकायत भइल, जिकरे बाद लड़का के अलीगढ़ के निजी अस्पताल ले जाए गए। टेस्ट रिपोर्ट सही आइला के बाद डॉक्टर लोग उनका के घरे भेज देलस। लेकिन जैसे जैसे सांस लेने में समस्या बनल, डॉक्टर साहब 25 अक्टूबर के नाक के सिटी स्कैन करा दिले। सिटी स्कैन में नाक में गांठ मिलल। आज 26 अक्टूबर के ऑपरेशन भइल, गांठ निकालल गई। जवना के चलते आदित्य के सांस लेवे में दिक्कत होकत रहे। जब उनकर पेट में गैस के समस्या दूर ना भइल तो 26 अक्टूबर के अल्ट्रासाउंड करावल गई। जवना के बाद अल्ट्रासाउंड के बाद 19 गो आइटम आदित्य के पेट में मिलल, जेकरे बाद ओके नोएडा रेफर कइल गइल। काहे कि उनकर केस बहुत जटिल होकल जात रहे। लेकिन कुछ समय बाद आदित्य के फिर से पेट में दर्द की शिकायत भइल। फिर डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड कइले, पेट में 3 गो आइटम मिलल, उहो निकालल गई। एकरा बादे 28 अक्टूबर की रात में आदित्य के निधन हो गए। आदित्य के मौत के बाद परिवार के लोग हिल गए बाड़े और ये उनका मौत पे विश्वास नहीं के होखत। परिवार के लोग के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चा के गला पे कौनो घाव के निशान ना रहे। आदित्य इकलौता बेटा रहे। उनकर मौत परिवार के बहुत झकझोर देले बा। जी अपन आवाज से लोगन के मंत्रमुग्ध कई देले रहली भोजपुरी के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, जे भोजपुरी के एगो नया आयाम दे ले रहले। अब हमने के बीच नहीं खे, लेकिन उनकर याद, उनकर गावल गीत हमेशा अमर रहे। छठ होके या शादी ब्याह, चाहे बेटी के विदाई होके, उनकरे गीत के बिना अधूरा मानल जाला। लोक गीत खातिर शारदा सिन्हा के हमेशा याद कइल जाए। आपन गीत से बिहार आ पूर्वांचल में ही ना, बल्कि पूरा देश आ विदेश तक शारदा सिन्हा भोजपुरी के एगो नया पहचान दिलवलें। भले वो ए छठ में हमने के बीच नहीं के रहले, लेकिन उनकर गावल छठ गीत अमर हो गए बा, जवन हर छठ में हमेशा उनकर याद दिलावत रही। आज भोजपुरी बुलेटिन में भोजपुरी के स्वर कोकिला के श्रद्धांजलि दी जाए।
देखी रिपोर्ट। आवाज जवन कार में पहुंचते अमृत नियर घुल जाला। जेकरा गीत के बिना न तब ब्याह शुरू हो खेला न बेटी के विदाई। उ आवाज जवन हमनी के भाव से भरपूर कर देला। उ आवाज सुन के जवन सब के हु मंत्र मुक्त हो जाला। उ आवाज हमेशा खातिर चुप हो गयल। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब हमनी के बीच नहीं खे, बाकी वो हमेशा अपना लोकगीत के माध्यम से हमनी के याद में जिंदा रही है। कोना संकट पड़ल तोहार, पूत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार। उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि। हम लोग क्या देंगे, बस हम लोग आपके बच्चे न में थोड़ा बहुत अगर चलने की काबिलियत कितना रखते हैं मुझे पता नहीं, कोशिश रहेगी माँ। शारदा सिन्हा के पति ब्रिज किशोर सिन्हा के 22 सितंबर के निधन हो गए। उनकर करीबी रिश्तेदार के कहना बा कि उनकर पति की मौत के बाद बहुत कम लोग से उनकर मुलाकात होत रहल। रउआ एह गीत से अंदाजा लगा सकेली कि उनकर पति के मौत के उन पर का असर पड़ल हुई। जवनु अस्पताल में गवले रहलीन, ई शारदा सिन्हा के आखिरी गीत है। जवना में अपना पति से अलग होके के वियोग रहे, असहनीय दर्द रहे। शारदा सिन्हा हमनी के बीच नहीं खे, लेकिन वो अपना गीत के माध्यम से लोगन के दिल में हमेशा जिंदा रहे। जवना ईमानदारी और बेबाकता से वो अपना लोक गीत के माध्यम से बिहार की संस्कृति के देश दुनिया तक पहुँचवली। उनकर आवाज चुप हो गये, लेकिन वो अमर हो गये लीन। पद्मश्री आप पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा छठ पूजा के गीतन खातिर मशहूर रहलिन। हालांकि उनकर गीत बॉलीवुड में भी खूब चलल, लेकिन छठ के उनकर गावल गीत दिल के छू जाला। एह बेर छठ महोत्सव के दौरान ही वो आखिरी सांस लहलिन। उनकर निधन पर छठ घाट पर भी उनका के श्रद्धांजलि अर्पित कैल जाला। देखी रिपोर्ट। भोजपुरी भाषा बहुत नीक और मीठ भाषा है, और ए भाषा के सुर साम्राज्ञी शारदा सिन्हा जी हमन के बीच अब नहीं खे। वहाँ के गीत बहुत अच्छा लागत रहल है, बहुत नीमन लागत रहल है। और यहाँ भोजपुरी चौपाल में रउआ सन देखत हुई हैं कि हमरा संगे इस सब बानी, तमाम लोग जुड़ल बानी। भोजपुरी समाज के जौन मिठास, जौन गीत जेकरे बदे जानल जात रहल है, अगर रउआ बतावल चाहे कि शारदा सिन्हा जी के रउआ कैसे याद करी हन, तो ओकरे बारे में बता देवल जा। हमने के तो बचपन से उनकर गीत सुनले हैं जा,
छठ यानी श्रद्धा से ना श्रद्धा से ना श्रद्धा से ना यानी छठ। तो बचपन से लेकर जवानी से जवानी तक हमनी का कुल यहाँ पे जो खड़ा है जा सब उनका गीत सुनने हैं जा और उनके बिना उनके गीत के बिना छठ के कोई ने माना ना हो छठ छठ अधूरा हो तो ये हमनी के बदे श्रद्धा से ना है जा। अच्छा भैया आप कहल का कहल चाहता नहीं कि जैसे भैया बतौले हैं कि छठ मतलब शारदा सिन्हा के गीत है तरुआ का कहियन। देखिए तो बहुत दुखद समाचार हमनी पूरे भोजपुरी समाज पूरे देश के लिए बा और भोजपुरी का स्वर कोकिला पद्मश्री पद्मभूषण शारदा सिन्हा जी का खत निधन भई और हमन के बचपन से उनका लोकगीत छठ पूजा के गीत और जहाँ भी देश विदेश में यदि निम्न गीत के बात हुई भोजपुरी का तो हमें शारदा सिन्हा जी के ही बात आवेला और इतना बड़ी शख्सियत उड़ली हैं जौने के जितनों कहल जाए उतना कम बा और पूरा भोजपुरी समाज बहुत शोकुल बा बहुत दुखी बा। करा खातिर हम दो शब्द लिखने वाली सुनावत हैं। मैं जब नहीं रहूँगी मैं जब नहीं रहूँगी यह चांद मेरे गीत गाएंगे, जब मैं नहीं रहूँगी यह चांद मेरे गीत गाएंगे, यह सूरज किरणों में वर्षा बिंदु पिरोकर मुझे माला अर्पण करेंगे। भैया रउआ का कहा चाहता नहीं। देखी आज तो पूरा भोजपुरी समाज शोकाकुल बा हमन के श्रद्धांजलि देवे खातिर के आयल बन जा शारदा सिन्हा जी के हमन के बचपन से सुन के बड़ भइल बन जा आ छठ के गीत जब बचपन से सुनी जा तो हमन के ये मान जा कि छठ माने शारदा सिन्हा। आज शारदा सिन्हा हमन के बीच में नहीं की तो हमन के बहुत बहुत उनकर जोन बा श्रद्धांजलि अर्पित करतन जा आ जाने कि उतना बढ़िया गीत केहू भोजपुरी में ना लेके आयल जितना बढ़िया गीत शारदा सिन्हा जी लेके आयली। 5 दर्जन से ऊपर उनका लोकप्रिय जोन बाटे छठ गीत बा। बहुत सारे महोत्सव में हमन के गावे के साथ में मौका भी मिलल आज हमन के बीच में ना हीन। जहाँ तक छठ पर्व की बात भइल कि छठ बहुत सुंदर छठ उन्हीं से शुरू भई एक तरह से सबसे पहले उन्होंने गीत गाया कि कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, पूछे लाजे राह में बटोहिया बहंगी के करा के जा। भोजपुरी समाज और हमहन मरमाहत हई कहे कि हमहू सुनत रही उनकर गीत बड़ा नीमन नागत रहे वहाँ के अब नहीं है हमरे बीच तो अच्छा नहीं लगत है लेकिन प्रकृति का नियम है जे आइल बा उ जाई जरूर। अब शारदा सिन्हा जी के हमहन के याद करे के है उनकर गीत सुन के अपने दिल और दिमाग में जिंदा रखे के है। कैमरामैन रवि के संगे हम आलोक शुक्ल लखनऊ। ताज खातिर इतना ही लेकिन हर हफ्ते शनिवार और रविवार रउआ से फिर से मुलाकात हुई यही बकत पर यही चैनल पर। रउआ के कौन खबर बढ़िया लगल कौन खबर आप देखेंगे चाहे हमारे एक्स अकाउंट के जरूर जाके फॉलो करी आ वहाँ जाके जरूर बताएं। तब तक खातिर प्रणाम कहले भोजपुरिया सबले बढ़िया।